हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समथिंग न्यू 24 यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रदीप और आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। एक दोस्तों, ये अनबॉक्सिंग तो नहीं होगी क्योंकि जो मैं जिस पे वीडियो बना रहा हूं उसको मैं कई दिनों से कई महीनों से मैं उसको यूज कर रहा हूं, तो मैं सीधा सीधा इस वीडियो में अपना ओपिनियन देने वाला हूं कि जो मैं चीज़ यूज कर रहा हूँ, जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आपने थंबनेल में तो देख ही चुके होंगे कि मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक वायरलेस एडेप्टर की, एनीकास्ट या क्रोमकास्ट के नाम से जो आते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जो प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है, मैंने अमेजन से एनीकास्ट जो है मैंने उसको मंगाया है, तो वो दोस्तों जो प्रोडक्ट है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा उसके बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये रहा वो प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं ये है एनीकास्ट। आपको उल्टा दिखाई दे रहा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो ये दोस्तों एनीकास्ट है, यहाँ पे ये इसकी डिवाइस है, ये वायरलेस डोंगल है जिसके जरिए आप जो मोबाइल की जो स्क्रीन है उसको सीधा अपने वाईफाई के थ्रू सीधा ही उसको अपने मोबाइल स्क्रीन पे, जो आपकी एलसीडी स्क्रीन होती है उस पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है ये अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? जब भी दोस्तों मैंने इसको जितनी बार भी यूज किया है मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही खराब लगा है, बहुत खराब। इसलिए क्योंकि जब भी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो ये क्या करता है कि एक दो मिनट तक आपका जो ट्रांसमिशन है अच्छा होता है, यानी कि जो आपकी स्क्रीन आती है वो अच्छे से काम करती है, लेकिन जैसे दो ढाई मिनट या तीन चार मिनट होते हैं तो पता नहीं दोस्तों क्या होता है, स्क्रीन आपकी मोबाइल की जो स्क्रीन है वो कुछ होगी और कंप्यूटर जो एलसीडी पे जो आ रहा होगा, जो आपकी टीवी पे दिखाई दे रहा होगा कुछ, यानी बहुत ज़्यादा हैंग करने लगता है ये। अब इसका रीजन तो दोस्तों मुझे जो लगता है, मैंने इसको जैसे ही देखा तो ये जो डिवाइस है बहुत ज़्यादा हीट होता है। जैसे ही दोस्तों आप इसको टीवी से कनेक्ट करते हैं तो ये डिवाइस बहुत ज़्यादा हीट होता है, और हीट होने के बाद मुझे लगता है इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो स्लो हो जाती है। तो दोस्तों ये बहुत ही घटिया तरीके से काम करता है। अब मैं इसको बिल्कुल भी आपको एडवाइस नहीं दूंगा कि आप इसको परचेस करें। ये मैंने लगभग 1100 रुपये की अमेजोन से परचेस किया था, एक डेढ़ महीने मुझे हो चुका है। तो जिस दिन से मैंने परचेज किया था उसी दिन से ये इसी प्रकार से काम कर रहा है। मैं एक दो ढाई मिनट तक वीडियो को देखता हूँ, उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा हैंग करने लगता है। आप कोई भी वीडियो देख ही नहीं सकते, गाना सुन नहीं सकते, आप उसको किसी भी पिक्सल घटा के भी आप उसको प्ले कर रहे हैं फिर भी वो प्ले नहीं होने वाली है, बहुत बेकार है। तो दोस्तों मैं बिल्कुल भी आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप इसको परचेज करें। और दोस्तों आप ये ना मुझसे पूछें कि इसकी जगह पे मैं कौन सा प्रोडक्ट लूँ, कौन सा एनीकास्ट लूँ या कौन सा क्रोमकास्ट खरीदूँ या कौन सा वायरलेस खरीदूँ जो मुझे ये सुविधा दे सके। तो दोस्तों मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकता क्योंकि जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है तो मैं उसका ओपिनियन दे सकता हूँ, बाकी प्रोडक्ट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है कि बाकी प्रोडक्ट इससे अच्छे हों, तो बाकी आप देख सकते हैं। तो अगर मैं कोई और वीडियो भी, अगर मैं किसी और वायरलेस एडेप्टर को परचेज करूँगा तो मैं उसके बारे में भी आपको ज़रूर ओपिनियन दूंगा। तो दोस्तों अगर यही मेरा कहना था और ये मैं आपको बता दिया है कि ये प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड। दोस्तों इसको डिसमेंटल करके देख लेते हैं क्योंकि मेरा जो चैनल है वो डिसमेंटलिंग का ही चैनल है। मैं चीज़ों के अंदर आपको खुल के बताता हूँ कि उसमें क्या है, मज़ा आता है देखने में भी, है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये क्रोमकास्ट है, ये इसमें वाईफाई है, वाईफाई एडेप्टर इसके अंदर होगा, ठीक है। ये स्क्रीन, ये HDMI जो टीवी में कनेक्ट होता है। तो पहले इसको खोल के देखते हैं, इसको अभी अलग रखते हैं। दोस्तों ये रहा, इसमें कुछ आप देख सकते हैं, यहाँ कोई प्रोसेसर जैसा दिख रहा है और ये कुछ ICs लगी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हीट होता है, बहुत ही ज़्यादा। आप यूँ समझिए कि जब आप इसको 5 मिनट यूज़ कर लेंगे ना, आप फिर छूएंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे बहुत हीट होता है, और बिल्कुल अच्छे से काम नहीं करता एक काम। ये रहा इसका वाईफाई वाला, इसको देखते हैं क्या है इसमें।
छोटी सी चिप है वाईफाई की, ये बहुत घटिया है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। दोस्तों अगर आप इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो आप बिल्कुल ये समझिए कि आप अपना पूरा का पूरा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू लेटर।